विपक्ष इस बात की आशंका लगातार उठाता रहा है कि जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बीजेपी बहुमत में होगी वो संविधान को बदलने की कोशिश शुरू कर देगी और इसकी शुरुआत हुई है संविधान की प्रस्तावना से। बीजेपी संविधान में बदलाव कर सकती है और विपक्ष का ये डर उस समय सच होता दिखा जब दबे पांव सरकार के इशारे पर संविधान में संशोधन की कोशिश की गई। तो कैसे हुई ये कोशिश जिसे विपक्ष ने कर दिया असफल, देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पिछले सप्ताह संसद में काम कम और हंगामा ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिन जरूर संसद में कामकाज ठीक ढंग से चला, लेकिन उस दौरान भी बीजेपी ने विपक्ष को चिढ़ाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी की ओर से संविधान में संशोधन की कोशिश की गई और वो भी चोर दरवाजे से। जी हाँ, ये कोशिश पार्टी सांसद की ओर से की गई। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। ये कोई साधारण बिल नहीं था बल्कि संविधान संशोधन बिल था। बिल में ये प्रस्ताव दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद शब्द को हटाकर उसकी जगह न्यायसंगत शब्द जोड़ दिया जाए। बिल पेश होने के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन की राय पूछी। सदन में एक साथ बिल के पक्ष और विपक्ष में आवाज आने लगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संविधान संशोधन बिल है जिसे राष्ट्रपति के बिना अनुमति के पेश होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने नियम 62 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सदन में संविधान संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया जाता है तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश जरूरी है और सदन में जो बिल बीजेपी सदस्य ने पेश किया है उसमें इस तरह की मंजूरी या सिफारिश का नोटिस नहीं दिया गया है। इस बारे में एक मंत्री के द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन बीजेपी सदस्य ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच उपसभापति ने भी ऐलान किया कि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश नहीं मिली है। उपसभापति ने भी कहा कि वो इस पर फैसला नहीं करेंगे बल्कि सदन तय करेगा। हंगामा होता देख सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने उपसभापति से बिल को रिजर्व रखने की सलाह दी, जिसके बाद इस बिल को रिजर्व रख लिया गया और संविधान की प्रस्तावना बदलने की बीजेपी की कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन जब बीजेपी राज्यसभा में बहुमत में होगी तो क्या उस समय बीजेपी की कोशिश कामयाब हो जाएगी? क्या बीजेपी संविधान में बदलाव का मन बना चुकी है? ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।